कुतुब मीनार क्यों बना, यहाँ कब से बनना प्रारंभ हुआ और कौन से व्यक्ति इसको लास्ट यानी कि पूर्ण किए, यहाँ क्यों बना हुआ था, कब से लेकर कब तक के लिए, वीडियो का अंत तक बने, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो कुतुब मीनार बना हुआ है वहाँ कुतुब मीनार कितने समय से बनना प्रारंभ हुआ और कौन से व्यक्ति बाद में उसे पूर्ण रूप से बनाए। आप लोग कहेंगे कोई एक ही व्यक्ति तो बनाए होंगे जिसको पूर्ण बाद में कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ प्रारंभ यानी कि बनना प्रारंभ है 1199 ईस्वी में बनना प्रारंभ हो गया, जो कि बाद में उसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे 1368 में पूर्ण रूप से इसे बना दिया। गाइस जो कुतुब मीनार बना हुआ है वह कुतुब मीनार का कोई ना कोई हाइट होगा जो कि सबसे लोकप्रिय हाइट होगा, जो कि आप भी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, वह 73.5 जिसे कहता है 73.5, जिसमें सीढ़ियां बहुत अधिक सारे हैं, आप यहाँ जानकर चौंक जाएंगे। 379 सीढ़ियां कुतुब मीनार में बनाया गया है। अब यहाँ किस लिए बनाया गया है, मेरे चार सबसे लिखा है, जो कुतुब मीनार है उसका नीचा हिस्सा यानी कि ब्यास कहा जाता है और ऊपर हिस्सा कोई अलग होगा, क्योंकि समान रहने पर यह तो बन नहीं सकता है, ढहने के समान अधिक होगा। जी हाँ, नीचा का ब्यास है 14.32 और ऊपर का व्यास कुछ अजीब है जो कि बाद में वह पतला हो चुका है, वह 2.72 होता है, जो कि वह ऊपर का हिस्सा है, नीचा का 14.32। कुतुब मीनार जो बना हुआ है किस पदार्थ से बना हुआ है, आप लोग कहेंगे कि पत्थर, जी नहीं, वह लाल यानी कि जो ईंट होता है वह लाल ईंट से बना हुआ है और कुछ मार्बल से भी बना हुआ है, लेकिन इसके बनने के बाद एक सा दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत यानी कि आ गया उनमें कुतुब मीनार में। अब दिक्कत की बात यह है कि वह थोड़ा सा झुका हुआ है, जैसे कोई सीधा करेक्ट राइट नहीं है लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसके कारण प्रत्येक साल उनको रिपीट यानी कि रिपेयरिंग करना पड़ता है। कि कुतुब मीनार क्यों बनाया गया, कुतुब मीनार बनाने में क्या यानी कि बेनिफिट देखा गया कि कुतुब मीनार को बनाया गया। उस जमाने यानी कि इतिहास कहता है कि जिस समय कुतुब मीनार बना था उस समय मस्जिद नहीं था। कुतुब मीनार बनाया गया कि अधिक ऊंचे होने के कारण इस पर जो माइक में कुछ भी होगा वह आवाज़ लगाया जाएगा, यानी कि जैसे कि मस्जिद पर आवाज़ लगाया जाता है, यानी कि शाम सुबह 12 बजे जो आवाज़ लगाया जाता है उसी को आवाज़ लगाने के लिए कुतुब मीनार का बना। कुतुब मीनार में कोई लोहा का उपयोग नहीं किया गया होगा, जी हाँ किया गया है, लेकिन लोहा आज तक वह लोहा है या खत्म हो चुका है, यानी कि बीजी धरने के कारण जैसे कि हम लोग घर में आते हैं उस लोहा के आप खुले छोड़ देंगे उस पर जंग धर के या किसी प्रकार से जंग धर के खत्म हो जाएगा 100 साल के अंतर्गत, लेकिन कुतुब मीनार के बीच का जो खम्मा है वह आज तक खत्म नहीं हुआ है, यानी कि उस पर जंग ही नहीं दिया, 2000 वर्ष होने के बाद भी एक जंग का ही प्रक्रिया नहीं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जानवरों में जो जानवर जैसे कि जिराफ जानवर है वह अपने गर्दन यानी कि जीभ जो है उस जीभ से अपने पूरे मुंह को वह पोंछ सकता है, कान को साफ कर सकता है, आंख मुंह सब को साफ कर सकता है, लेकिन अपने आप जीभ से कितने यानी कि क्यों किसको आप पूरे यानी कि केहने को आप उसे छू नहीं सकते हैं अपने जीभ से, जो कि जिराफ पूरे अपने शरीर को जीभ से यहाँ छू सकता है। गाइज आपने कितने कार को देखे हुए हैं कि चलाते हुए, आपने भी देखे हुए कि शहरों में अधिक सारे भीड़ लगे हुए रहते हैं कार को चलाने में, लेकिन आप एक दिन में कितने बार कार चलाते हैं, 4 सेक्शन लेके पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो एक दिन के अंतर्गत कितने बार कार को चलाए जाते हैं। मैं बात करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ बार कार को चलाया जाता है, यानी कि किसी कार को आप एक दिन में एक बार चलाए उसी प्रकार 100 करोड़ बार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब यूट्यूब, इन सब वेबसाइट बहुत लोकप्रिय हैं, जो कि कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता है, लेकिन दिक्कत की बात है यह किस देशों में आज तक नहीं चला हुआ है, बहुत वहां पर दिक्कत है, यानी कि बैन ही लगा दिया होगा। आप जानते हैं तो 4 सेक्शन लिखे, नहीं तो जान लीजिए, जो कि चीन है, चीन में ना ही यूट्यूब चलाया जाता है, ना ही फेसबुक चलाया जाता है, न ट्विटर, न व्हाट्सएप, यानी कि पूर्ण रूप से बैन है, बाकी कोई नहीं चला सकता है चीन में अपना। आज एक बिच्छू जो होता है वह बिच्छू यानी कि बिच्छू कितने दिन तक पानी में रह सकता है, आप कितने दिन तक पानी में रह सकते हैं, आप ऐसा क्या सवाल कर दिए, 1 मिनट के अंतर्गत मेरा दम ही फूल जाएगा, लेकिन बिच्छू जो है वह पानी में वह करीब लगभग 6 दिनों तक वह पानी के अंतर्गत रहता है, यानी पानी में प्रवेश करके रह जाएगा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 6 दिन, ओह माय गॉड, इतने दिन। आज आपको पहले वीडियो में बताए थे कि टाइटेनियम का ढेर सारे टाइटेनियम जो नष्ट हो चुका था, लेकिन क्या आपने कभी सोचे हुए हैं कि जो टाइटेनियम नष्ट हुआ उसको सही प्रकार उसी प्रकार से छोड़ देगा, क्या उसे फिर से बनाने का प्रक्रिया नहीं है। जी हाँ,
आपको जानकारी देता हूँ कि प्रक्रिया प्रारंभ भी है और उसका तुरंत लॉन्च होने वाला है टाइटेनियम, यानी कि टाइटेनियम 2 उसका नाम धरा जाएगा। 2022 तक टाइटेनियम 2 जहाज तुरंत ही लॉन्च होने वाला है, आप उसको देखने का एक बार इरादा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।